Good morning, dear students. In this video lecture, we will discuss about the chapter 9 and the chapter name is Measurement. In our daily life, we think measure many things like clothes, like things, weight of the things, temperature, time, distance. Apart from this, we measure the liquid like oil, milk, water, etc. Okay. We have seen that the tailor. Tailor first taking the measurement for what? For stitching the clothes. Okay. तो वो tailor होता है क्या करता है? पहले अगर कोई उसको cloth अगर stitch करना है तो वो उससे पहले सामने वाले का जो भी उसका customer होगा उसका वो measurement लेगा. फिर उसके according उसके लिए कपड़े बनाएगा. तो इस तरह हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों को मेजर करते हैं. तो नाउ हियर वी विल सी द लेंथ. सबसे पहले हम लेंथ को देखेंगे. तो हियर द गिवन इज द नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ द लेंथ. यहां पे नॉन स्टैंडर्ड यूनिट दिया है लेंथ का, वो क्या है? सो फर्स्ट इज दैट द हैंड स्पैन, देन सेकंड इज द फुट स्पैन एंड क्यूबॉइड. तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? वो ये यूनिट है जिस पे हम बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे, जैसे हमारे बाबा दादी कह लीजिए, उन लोग के टाइम में ये चीजें हुआ करते थे कि लोग अपने हैंड स्पैन से काम चला लेते थे, वो इस तरह से मापते थे. आप लोगों ने कभी कभार अपने घर में भी देखा होगा कि ऐसे 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 मापते थे वो लोग. लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या है, रिलायबल नहीं है. वाई? क्योंकि हर लोग अलग अलग उनकी हाइट होती है, अलग अलग वेट होता है, तो इस वजह से जो उनका उनका बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है. तो किसी का जो हैंड स्पैन है वो छोटा होगा और किसी का बड़ा. तो अगर एक बच्चा जो है, अगर वो बच्चा जो अपने हैंड स्पैन से इसको मेजर करेगा इस लाइन को, तो उसका मेजरमेंट अलग आएगा. लेकिन अगर एक एडल्ट मेजर करता है तो उसके अलग आएंगे, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा. इसका मतलब ये है कि हम इस पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते. तो ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, यू शुड रिमेंबर दिस नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, दैट इज द हैंड स्पैन एंड द फुट स्पैन. द फुट स्पैन होता है कि जो एक कदम आप चलते हैं, तो जैसे आप लोग जनरल लाइफ में क्या करते हैं कि जैसे हम स्कूल से अगर घर जा रहे हैं या घर से स्कूल आ रहा है, तो क्या करते हैं, पहले हम उसको मेजर करते हुए चलते हैं. तो मेजर कैसे करते हैं कि आप देखेंगे कितना कदम है हमारा जो स्कूल है हमारे घर से. तो ये चीज़ें आप जनरल हम करते हैं कि हमारा जो स्कूल है हमारे घर से कितने कदम है. तो जो कदम हम गिनते हैं ना, वो जो कदम है वही है आपका फुट स्पैन. ठीक है, तो ये दोनों ही नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है. नाउ विल सी द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. तो जो आपके स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ के, ये मीटर है. इसमें ये स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि कोई भी इंसान, चाहे वो हाइट में छोटा हो या बड़ा हो, या फिर उस वो बच्चा हो या फिर एडल्ट हो, कोई भी हो लेकिन और कहीं भी हो, अगर वो मेजर करता है कि हाँ ये जो लाइन मैंने खींची है, लाइन 15 सेंटीमीटर की है, तो अगर मैं अगर इसको मेजर करूँगी तभी भी 15 सेंटीमीटर ही होगी. और अगर कोई दूसरा करेगा, आप लोग में से भी कोई भी अगर इसको मेजर करेगा, तो वो भी उतना ही पाएगा. इसका मतलब ये है कि हम इस पे विश्वास कर सकते हैं. तो इस तरह से हमने नॉन स्टैंडर्ड यूनिट एंड द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ देखा. नाउ व्हाट ऑफ यू थिंग्स आर गिवन, यू विल लर्न दिस. फर्स्ट इज गिवन हियर दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो अगर हमसे पूछा जाए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम बताएंगे 1000 मीटर. इफ एनीवन विल आस्क फ्रॉम अस दैट 1 मीटर, हाउ मेनी सेंटीमीटर इन द 1 मीटर. तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर. एंड 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो आप बताएंगे 10. ओके, इस तरह से हमको ये चीजें लर्न होनी चाहिए. नाउ वी विल सी द इंस्ट्रूमेंट बाय व्हिच वी कैन मेजर द लेंथ. सो इन आवर डेली लाइफ वी यूज स्केल. आपने स्केल अपने आपके पास तो होगा, ये सारे बच्चों के पास स्केल होता है लगभग.
वो माप करके उतना कट करके दे देता है। और मीजरिंग टेप, ऑलरेडी यू हैव सी द मीजरिंग टेप इन योर होम, क्योंकि आपकी मम्मी यूज करती है जनरली, अधिकतर बच्चों की मम्मी जो होंगी वो मीजरिंग टेप यूज करती होंगी। तो इस तरह से हमने ये सारे इंस्ट्रूमेंट दिए। जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर इफ एनी वन विल आस्क यू टू लर्न द नेम एनी थ्री इंस्ट्रूमेंट बाई विच वी कैन मेजर द लेंथ, यू विल बी स्केल, मीटर रॉड एंड मेजरिंग टेप। In this way, we have discussed about the length. In the next video, we will discuss about the weight. Thank you, students.